चलो वी आर लाइव नाउ यस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी वन ओके हम लाइव आ चुके हैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग किड्स गिव मी वन सेकेंड चलो यस वी आर लाइव नाउ जस्ट गिव मी वन मिनट मैं फटाफट -फर्ट सब जगह शेयर कर दूँ है ना तब तक मुझे सब लोग इस चैप्टर का वेटेज बता दो जल्दी 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 यस यस चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग किड्स वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन चलो स्टार्ट करें ओके यस एवरीबॉडी लेट्स स्टार्ट चैप्टर क्विकली एंड विल फिनिश इट क्विकली यस ओके तो ऑन एन एवरेज इस चैप्टर का वेटेज जो है इट इज अप्रोक्सीमेटली फोर टू फाइव मार्क्स यानी कि चार चार से पांच एमसीक्यूज यानी कि चार एमसीक्यूज कभी कभी आते हैं इस चैप्टर में से ठीक है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है तो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है मैं एक बार खाली एक चीज बता दूं कि अपना जो बायो का सेकंड मॉक टेस्ट होने वाला है बायो का जो सेकंड इधर नहीं बताती बायो मॉक टेस्ट नंबर टू ये अपना एटीनथ को होने वाला है एटीन जुलाई को ठीक है गलती से आपको जो टेलीग्राम पे टाइम टेबल दिया है उसमें सत्रह जुलाई डेट डाल दिया है बट सत्रह को बच्चों का नीट एग्जाम है तो आपका आज का टाइम टेबल और कल का टाइम टेबल एज इट इज़ फॉलो होगा लेकिन जो संडे का टाइम टेबल है वो एक एक दिन आगे हो जाएगा यानी संडे वाला लेक्चर मंडे को होगा मंडे वाला ट्यूसडे को ट्यूसडे वाला वेडनेसडे को ऐसे एक एक दिन आगे आगे आपका लेक्चर शिफ्ट होते जाएगा ठीक है चलो ये इंपॉर्टेंट डेट मुझे बतानी थी तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर एंड लेट्स क्विकली कम्प्लीट इट आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे चलो स्टार्ट करते हैं इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के साथ इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है जब आपके अंदर आपके कोई एनसिस्टर्स के या कोई पेरेंट्स के कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस यानी कि विरासत में या जीन्स के थ्रू आपको कोई चीज़ जब मिलती है और वेरिएशन मतलब हम क्या बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गैनिज्म जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गैनिज्म जब प्रोड्यूस होते हैं तो जो हाइब्रिड बनता है जो न्यू कैरेक्टर्स हमको देखने को मिलते हैं उन न्यू कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं वेरिएशन इसमें से आपको एक एम आ सकता है ग्रीगौर जॉन्डल ग्रीगौर जॉहन मेंडल सर के बारे में आपको आ, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए जैसे कि ये कब बॉर्न हुए थे 1822 से 1884 तक का इनका पीरियड दिया गया है बॉर्न एंड डेथ पीरियड ही वॉज बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ पुअर पीजेंट फार्मर यानी कि ये खेती किसानी करने वाले घर के बच्चे थे ठीक है इनके इनकी पीढ़ी पीढ़ी खेती कर रही थी मतलब देवर कम्प्लीटली इन टू फार्मिंग बिजनेस और एटीन फोर्टी थ्री में देखो मैंडल सर को ना पढ़ने का बहुत शौक था ही वॉन्टेड टू गेट एजुकेटेड ही वॉन्टेड टू स्प्रेड एजुकेशन तो इन्होंने क्या किया और लेकिन ये एक फार्मर के बच्चे थे तो इनके पास इतना पैसा नहीं था कि ये अपना एजुकेशन अफोर्ड कर सके तो इन्होंने क्या किया इन्होंने एक चर्च ज्वाइन ज्वाइन किया मॉन्क बनकर मॉन्क मतलब क्या होता है चर्च के लिए खुद को आ, पूरा, का पूरा आ, सरेंडर कर दिया और इन्होंने अपना पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया ठीक है इन्होंने बोला की मतलब हम जो हैं हम देखे आ, मैं चर्च संभालूंगा लेकिन साथ ही साथ इनको स्कॉलरशिप भी दी गई जिसकी मदद से इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की तो 1843 में इन्होंने चर्च ज्वाइन किया और वहीं पर इन्होंने अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट की 1847 में ही बिकेम द हेड ऑफ मोनिस्ट्री एट ब्रुन यानी कि वो जो चर्च के जो मतलब डिसाइपल्स होते हैं तो उनमें से एक ये एक हेड बन गए ठीक है और अभी ऑस्ट्रिया ये जो मोनेस्ट्री एट ब्रुन ऑस्ट्रिया है इसको अभी करंटली हम क्या बोलते हैं इन जेकोस्लोवाकिया ये जेकोस्लो चेक रिपब्लिक आपने सुना होगा या जेकोस्लोवाकिया सो दिस इज द न्यू नेम फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग ओके दिस पर्टिकुलर स्टेट कंट्री सो so, आगे देखो हमको क्या बताया गया है इन एटीन फिफ्टी वन ही वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ वियाना टू स्टडी नेचुरल हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एटीन फिफ्टी वन में ये अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वियाना में गए देखो ये एक मैथमेटिशियन थे बाई एडुकेशन बाई प्रोफेशन ओके बट इनको नोबल प्राइज़ किस चीज़ के लिए दिया गया बायोटिक इन्वेंशन के लिए यानी कि बायोलॉजिकल डिस्कवरी के लिए करेक्ट यस एवरीबडी हाँ फिर उसके बाद क्या दिया गया ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स ये देखो ये तीन चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहाँ ये देखो एक ये पूछा जा सकता है कि मेंडल अपनी फर्दर स्टडीज के लिए कहाँ गए थे तो 1851 में मैथमेटिक्स के लिए वो यूनिवर्सिटी ऑफ रियाना गए थे और 1843 में उन्होंने चर्च ज्वाइन किया था फॉर इज फर्दर स्टडीज मेंडल को हम फादर ऑफ़ जेनेटिक्स बोलते हैं लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसको बोलते हैं हम बेटसन को और फादर ऑफ़ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स किसको बोलते हैं हम थॉमस हंट मॉर्गन को तो ये तीन नाम आपको याद रखने हैं फ्रॉम एनसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है अब इधर देखो क्या बताया गया मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए आप दसवीं से पढ़ते आ रहे हो कि मेंडल ने हरे वटाने के प्लांट के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने हरा वटाना ही क्यों सिलेक्ट किया उन्होंने उस पर्टिकुलर प्लांट में ही क्यों एक्सपेरिमेंट किया सो वट वर दी रीजन फॉर विच सिलेक्टेड पी तो उसके रीजन थे कि पहली बात वो इजीली अवेलेबल रहता है वटाने को ग्रो करने के लिए हिमालय पर्वत नहीं जाना पड़ता है है ना इट इज़ इजीली अवेलेबल इजीली कल्टिवेबल शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है उसका यानी कि दस दस साल नहीं रुकना पड़ेगा हमको वटाने के लिए तीन महीने में ये प्लांट ग्रो हो जाता है और फ्रूट देने लग जाता है देन प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स हमको एक एक फ्रूट में एक सीड मिलेगी ऐसा नहीं है हमको मल्टीपल सीड्स मिलते हैं एक वटाने के छिलके में आपको कितनी सारी सीड्स मिलती है तो लार्ज नंबर ऑफ सीड्स की वजह से डेटा ज्यादा कलेक्ट होता है सो मेनी डिस्टिंग ऑल्टरनेटिव ट्रेड्स इस वटाने के प्लांट में हमको सेवन ट्रेड्स देखने को मिले यानी दो अलग कलर के फ्लावर दो अलग हाइट ऐसे बहुत सारे अलग अलग ट्रेड्स हमको देखने को मिले देन आर्टिफिशियली दे कैन क्रॉस पॉलिनेट बुक में नहीं दिया है इन्फॉर्मेशन संकेत इसीलिए मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है नहीं तो आपको वन शॉट लेक्चर की क्या जरूरत है देखो आप लेक्चर्स क्यों अटेंड करते हो टीचर का मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ मैं कॉलेज टीचर क्लास टीचर सब टीचर्स की बात कर रही हूँ आप एक्स्ट्रा लेक्चर क्यों अटेंड करते हो ताकि जो इन्फॉर्मेशन बुक में नहीं दी है वो इन्फॉर्मेशन आपको मिले और कभी कभी बुक में भी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपके नज़रों से हट जाती है तो बुक में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है उसको कैसे याद रखना है उसका शॉर्टकट ट्रिक प्लस जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है जो एक्सपेक्टेड होता है क्योंकि मेंडल वाला चैप्टर आपने दसवीं में भी पढ़ा था तो दसवीं में आपको ये दिया था और अभी बारहवीं में एग्जाम में पूछा जाएगा तो जैसे बच्चों को कैसे पूछते हैं व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल तो आप बोलते हो माइटोकॉन्ड्रिया लेकिन बारहवीं के सिलेबस में तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिया है ना कि पावर हाउस द पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो ये कॉमन सेंस होता है जो आजकल के बच्चों में नहीं है कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन दीज डेज ठीक है इसमें आपकी गलती नहीं है आपके मोबाइल ने आपका कॉमन सेंस छीन लिया है तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं ये चार्ट ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सब दसवीं में आपने पढ़ी है फिर अभी बारहवीं में आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है तो प्लीज़ ध्यान से सुनो अपना टाइम वेस्ट करने की जगह चैट बॉक्स में टाइम वेस्ट करने की जगह मैं जो पॉइंट्स बता रही है वो सुनो और आपको ये इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम में आ सकती है अब ऐसा मत बोलना कि बुक में नहीं दिया है तो उस पर क्वेश्चन बनेंगे क्या जैसे कि मैंने बोला माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है अपने सेल का ये तुम्हारे बारहवीं के बुक में नहीं दिया है तो क्या ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा ये आएगा तो ये कॉमन चीज़ें होती हैं जैसे कि ब्लड में रेड कलर का कौन सा सेल होता है आर रेड कलर का होता है तो ये कॉमन चीज़ें होती हैं तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है चलो मैं चैट बॉक्स बंद कर रही हूँ तो पी प्लांट जो है दे कैन आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेट और ये सेल्फ पॉलिनेशन भी करते हैं तो ये सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स वजह के के वजह से मेंडल ने ये प्लांट सिलेक्ट किया था ओके तो यहाँ पर हमने रीजंस देखे कि मेंडल ने क्यों ये प्लांट सिलेक्ट किया था अभी देखो मेंडल का जो रिसर्च है वो पब्लिश क्यों नहीं हुआ उसको लोगों ने जस्टिफाई क्यों नहीं किया क्योंकि सबसे पहली बात मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए स्टेटिस्टिकल मेथड यूज़ किया मतलब ये पहली बार ऐसा कुछ अलग देखने को मिला कि बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट मैथमेटिक्स के मदद से सॉल्व किया जा रहा है मैथोमेटिक लॉजिक लगा के सॉल्व किया जा रहा है और वो बोलते हैं ना कि नई चीज़ किसी को भी जल्दी हजम नहीं होती है तो वैसे ही जो हमारे साइंटिस्ट थे जो एंशियन साइंटिस्ट थे उन लोगों को ऐसा लगा कि अरे ऐसे कैसे तुम बायोलॉजी में मैथ्स कैसे घुसा सकते हो तो स्टैटिस्टिकल मेथड मैथमेटिकल लॉजिक के वजह से उन्होंने मेंडल का एक्सपेरिमेंट रिजेक्ट कर दिया लेकिन एक्चुअली में मैथमेटिकल लॉजिक की वजह से मेंडल को जो रिजल्ट्स मिलते थे एक्सपेरिमेंट के वो एकदम एक्ूरेट रिजल्ट्स होते थे क्योंकि मैथमेटिक्स में आप अप्रॉक्सीमेसन नहीं लगाते हो उधर एकदम सब कुछ एग्जैक्ट होता है ठीक है तो एक्यूरेट रिजल्ट्स थे लार्ज सैम्पलिंग साइज था यानी कि वो सिर्फ एक या दो एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे हज़ारों एक्सपेरिमेंट करके फिर वो कंक्लूजन निकालते थे और उसका फिर वो थियोरिटिकल एक्सप्लेनेशन देते थे तो ये रीज़न था मेंडल के सक्सेस का लेकिन ये दो रीज़न था मेंडल के

इसमें से हम सिलेक्ट करेंगे वाइट क्योंकि ये रिसेसिव कैरेक्टर है बाकी सारे डोमिनेंट कैरेक्टर्स है तो ऐसे आपको हर एक का रिसेसिव डोमिनेंट दोनों चीजें याद रखना है यस yes, एवरीबडी आप इसको ऐसे याद रख सकते हो एस स्क्र एस स्क्र पी क्यू एस यानी सीड कलर सीड शेप एफ यानी फ्लावर कलर फ्लावर पोजिशन और पी यानी की पॉड शेप पॉड कलर एंड प्लांट हाइट ऐसे पी क्यू आप याद रख सकते हो ठीक है ओके अब देखो इधर हम कुछ जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज देखने जा रहे हैं इनके ऊपर भी कभी कभी आपको एम पूछ लिया जाता है तो प्लीज़ एवरीबडी पे अटेंशन हाँ एवरीबडी पे अटेंशन कैरेक्टर मतलब क्या होता है कोई स्पेसिफिक फीचर किसी ऑर्गेनिज्म का कोई स्पेसिफिक फ़ीचर uh, जैसे कि समझो मैं बात कर रही हूँ शूज़ की तो शूज़ अपना कैरेक्टर है और शूज़ का जो ब्रांड है उसका जो साइज़ है वो हो जाएगा अपना ट्रेड यानी कि मुझे बाटा कंपनी के ही शूज़ चाहिए कोई बोलेगा मुझे रीबॉक कंपनी के ही शूज़ चाहिए कोई बोलेगा नाइकी कंपनी के ही शूज़ चाहिए तो वो जो ब्रांड हो जाता है वो ब्रांड हो जाता है अपना ट्रेड और कैरेक्टर हो जाता है अपना मेन फीचर कि किस फीचर के बारे में हम बात कर रहे हैं जैसे हाइट हाइट के बारे में अगर मैं बात करूं तो या तो किसी इंसान की हाइट छोटी होती है या तो कोई मीडियम हाइट का एवरेज हाइट का होता है या तो कोई लंबा होता है तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ है उसको बोलते हैं ट्रेड कैरेक्टर की वराइटीज को बोलते हैं ट्रेड फैक्टर और जीन का मतलब एक ही है जहाँ जो सेगमेंट हमारे डीएनए का जो सेगमेंट इन्फॉर्मेशन कैरी करता है जिधर पे हमारा इंफॉर्मेशन स्टोर होता है उस पार्ट को हम बोलते हैं जीन या फैक्टर और फिर अलील अलील मतलब जीन का वेराइटीज यानी कि हर एक जीन के लिए दो अलील प्रेजेंट होते हैं एक जीन के लिए कितने अलील्स प्रेजेंट होते हैं दो अलील्स प्रेजेंट होते हैं ये मेंडल ने बताया था आगे जाके हमने इसका एक्सेप्शन भी पढ़ा है बट अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि अलील मतलब क्या होता है ये जीन का ऑल्टरनेटिव फॉर्म होता है अलील भी दो टाइप्स के होते हैं एक होते हैं डोमिनेंट अलील एक होते हैं रिसेसिव अलील ठीक है और अगर दोनों के बीच का आपको कोई अलील देखने को मिला तो इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड अलील हाइब्रिड यानी कि इसमें कैरेक्टर डोमिनेंट अलील का देखने को मिलेगा बट प्रेजेंस दूसरे रिसेसिव अलील का भी होगा ओके डोमिनेंट मतलब क्या होता है जब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जिस पेरेंट के कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं उसके जीन को डोमिनेंट जीन बोलेंगे और जिसके कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हुए उसके जीन को रिसेसिव जीन बोलेंगे जैसे कि समझो आपने एक ब्लू आंखों वाले इंसान का गैमेट आपने ग्रीन आंखों वाले इंसान के साथ किया ठीक है फ्यूज आपने एक ब्लू गैमेट को एक ग्रीन गैमेट के साथ फ्यूज किया ब्लू आइज का गैमेट ग्रीन आइज वाले गैमेट के साथ और आपको बच्चे में ब्लू आइज दिखाई दे रही है यानी कि आपका जो बच्चा है उसके ऊपर ब्लू कलर का जीन ट्रांसफर हुआ है यानी ब्लू कलर डोमिनेंट जीन है और डोमिनेंट यानी जो एक्सप्रेस होता होमोजाइगस और प्योर मतलब क्या होते हैं दोनों अलियल सेम होने चाहिए या तो दोनों डोमिनेंट होंगे या तो दोनों रिसेसिव होंगे हाइड्रोजाइगस यानी कि हाइब्रिड एक डोमिनेंट एक रिसेसिव अब इधर पे आपको फिनोटाइप हमेशा डोमिनेंट ही देखने को मिलेगा पिनो टाइप किसका देखने को मिलता है डोमिनेंट वाले का ही देखने को मिलता है बट ये प्योर डोमिनेंट नहीं होता है ये हाइब्रिड डोमिनेंट होता है यानी आने वाली जनरेशन में इसके कैरेक्टर स्विच भी हो सकते हैं प्योर लाइन मतलब अगेन होमोजाइगस यानी कि इसमें आपको दोनों सेम देखने को मिलेंगे ठीक है मोनोहाइब्रिड मतलब क्या होता है जब आप कोई एक कैरेक्टर स्टडी करते हो जब आप कोई एक कैरेक्टर स्टडी करते हो जैसे आप मेरे सिर्फ बालों के शेप के बारे में स्टडी कर रहे हो स्ट्रेट है कर्ली है कैसा है तो आप सिर्फ एक कैरेक्टर आप बाल का कलर नहीं दे रहे हो देख रहे हो बाल का स्ट्रेंथ नहीं देख रहे हो कुछ नहीं आप सिर्फ उसकी शेप के बारे में स्टडी कर रहे हो तो जब आप एक कैरेक्टर के बारे में स्टडी करते हो उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस और यहाँ पर आपको जो एफ वन जनरेशन मिलता है ये एफ वन जनरेशन हमेशा हाइब्रिड होगा कैसा होगा हाइब्रिड क्योंकि जब आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हो तो यहाँ पर हम दो प्योर पेरेंट्स को लेकर क्रॉस करके हाइब्रिड प्रोड्यूस करते हैं यानी एक हाइब्रिड हमको कैरेक्टर देखने को मिल रहा है एफ टू जनरेसन कैसे दिखाई देता है आपने हाइब्रिड क्रॉस किया आपको फर्स्ट जनरेशन मिला अब इसी फर्स्ट जनरेशन का आप सेल्फिंग कराते हो यानी कि इनको आपस में रिप्रोड्यूस कराते हो और अब आप आपको जो सेकेंड जनरेशन में बच्चे मिलेंगे वो बच्चों को आप बोलोगे एफ टू जनरेशन यानी सेकंड फिलियल जनरेशन और कितने बच्चे मिलेंगे उसमें से कितने बच्चे का क्या कैरेक्टर होगा ये जो काउंट ये जो स्टैटिस्टिक्स मेथड होता है ये स्टैटिस्टिक्स मेथड हम किसकी मदद से चेक कर सकते हैं पुनर्ट स्क्वेयर या चेकर बोर्ड मेथड की मदद से चेक कर सकते हैं हमने जो अभी रिसेंट में नीट का पेपर सॉल्व किया था वो नीट के पेपर पर पे हमने क्या देखा था नीट के पेपर में ऐसा एक क्वेश्चन आया था कि अगर आपको नंबर ऑफ ऑफ या हाइब्रिड पता करना है यस हाइब्रिड पता करना है तो पुनर्ट स्पेयर मेथड यूज कर सकते हैं ठीक है ओके okay. आगे देखो क्या बताया गया है आपको ना ये जो डेफिनेशन दिए ना बच्चा इसमें से कुछ भी एमसीक्यू के लिए आ सकता है ठीक है जिसको मेरी आवाज़ कम लग रही है तो वो लोग अपना माइक थोड़ा सा ये कर लो क्या बोलते हैं अपना वॉल्यूम बढ़ा लो क्योंकि मैंने आवाज़ फुल ही रखा है फिर मैं ज़्यादा आवाज़ बढ़ाऊंगी तो फिर डिस्टर्बेंस होगी ओके होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब क्या होते हैं प्लीज़ पे अटेंशन होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब क्या होते हैं तो अलग अलग ये देखो होमोलोगस क्रोमोसोम्स यानी कि जेनेटिकली स्ट्रक्चरली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन अ सेल यानी कि ये मेल का क्रोमोसोम है ये फीमेल का क्रोमोसोम है दोनों के पास सेम अलील सेम लोकस यानी कि सेम लोकेशन पे प्रेजेंट है समझो इधर पे भी कलर जीन है इधर पे भी कलर जीन है दोनों का लोकेशन सेम है उसको बोलेंगे होमोलोगस ओके बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस क्या होता है बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस मतलब समझो आपके पास एक अननोन स्पीशीज़ है क्या बोला मैंने बैक बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस का मीनिंग रुको मैं इधर पे बताती हूँ बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस क्या होता है समझो आपके पास ये एक अननोन स्पीशीज़ है आपको फाइंड आउट करना है कि ये अननोन स्पीशीज़ प्योर डोमिनेंट है या हाइब्रिड डोमिनेंट है आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये होमोजाइगस है या हेट्रो ये है हाइब्रिड डोमिनेंट है होमोजाइगस डोमिनेंट है या हाइब्रिड डोमिनेंट है तो ये कैसे पता चलेगा अपने को हम क्या करते हैं हम इसको रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं किसके साथ क्रॉस कराते हैं रिसेसिव जैसे हमको पर्पल कलर का फ्लावर दिखाई दे रहा है पी प्लांट में तो यानी कि ये डोमिनेंट है बट ये होमोजाइगस डोमिनेंट है कि ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है ये पता करने के लिए हम इसको रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करेंगे तो जब आप इसको रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करोगे अगर आपको वन इज टू वन यानी फिफ्टी परसेंट डोमिनेंट फिफ्टी परसेंट रिसेसिव देखने को मिला वन इज टू वन का रेशियो अगर मिला तो इसको हम बोलेंगे होमोजाइगस क्या हैट्रोजाइगस डोमिनेंट क्या बोलेंगे इसको हैट्रोजाइगस डोमिनेंट लेकिन अगर आपको रिसेसि पेरेंट के साथ क्रॉस कराने के बावजूद भी सारे के सारे प्लांट्स एक ही स्पीशीज के देखने को मिले यानी कि ऑल डोमिनेंट अगर देखने को मिले यानी कि आपका जो पेरेंट प्लांट है जो अननोन प्लांट है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है वो हाइब्रिड नहीं है तो इसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस इसको हम क्या बोलते हैं टेस्ट क्रॉस जब आप अननोन प्लांट को एफ सॉरी अननोन एफ को रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हो किसके साथ रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हो तो इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस लेकिन जब आप एफ वन को रिसेसिव पेरेंट या डोमिनेंट पेरेंट दोनों के साथ करते हो तो इसको बोलते हैं बैक क्रॉस मतलब बैक क्रॉस में आप दोनों पेरेंट्स ले सकते हो इधर पे भी रिसेसिव पेरेंट ही आएगा या डोमिनेंट भी कर सकते हो तो जब आप एफ वन जनरेशन को रिसेसिव पेरेंट या डोमिनेंट पेरेंट किसी के साथ भी क्रॉस करते हो तो उसको बोलते हैं बैक क्रॉस बट टेस्ट क्रॉस में सिर्फ रिसेसिव पेरेंट आता है बैक क्रॉस में रिसेसिव डोमिनेंट दोनों आता है बट टेस्ट क्रॉस में सिर्फ रिसेसिव आता है बैक डोमिनेंट uh, नहीं आता सो दिस इज टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस ये मैंने बहुत बार डिटेल में ऑलरेडी पढ़ाया है तो हम टेस्ट क्रॉस को बैक क्रॉस बोलते हैं बट बैक क्रॉस को टेस्ट क्रॉस नहीं बोल सकते ठीक है चलो होमोलोगस क्रोमोसोम सबको समझ में आया दो अलग अलग क्रोमोसोम्स के सेम लोकेशन पे सेम जीन प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम पीनोटाइपिक रेशियो यानी कि जो रेशियो हमको दिखाई देता है विजिबल होता है और जीनोटाइपिक रेशियो यानी कि जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस अगेन सिंगल कैरेक्टर जब हम स्टडी करते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस में हम एक साथ दो दो कैरेक्टर स्टडी करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करते हैं एक साथ दो दो कैरेक्टर स्टडी करते हैं जैसे कि समझो सीट का शेप एंड सीट का कलर ऐसे हम दो कैरेक्टर्स एक साथ स्टडी कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस ओके okay? आगे देखो क्या बताया है द सेकेंड जनरेशन प्रोड्यूस्ड आफ्टर सेल्फिंग ऑफ एफ वन जनरेशन जल्दी से इसका आंसर तो क्या आएगा वन टू थ्री एफ वन जनरेशन के बाद जो सेकेंड जनरेशन मिलता है उसको बोलते हैं एफ टू जनरेशन नेक्स्ट विच टाइप ऑफ क्रोमोजोम सिनेप्स ज्यूरिंग म्योसिस स्नेप करना यानी क्रॉसिंग ओवर करना ऐसे तो क्रॉसिंग ओवर करने के टाइम पे ये दोनों के बीच में ये क्रोमोजोम्स कैसे होने चाहिए होमोलोगस या हेट्रोलोगस बताओ जल्दी से सो द क्रोमोजोम्स शुड ऑलवेज भी हेट्रोलो होमोलोगस यानी कि इस क्रोमोजोम के ऊपर जो जीन है वहीं पर उसका ऑल्टरनेटिव जीन होना चाहिए अगर इधर डोमिनेंट है तो इधर रिसेसिव होगा या दोनों जगह डोमिनेट होगा या दोनों जगह रिसेसिव होगा बट सेम लोकेशन पर सेम कैरेक्टर वाला जीन होना चाहिए चलो अब लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में देखते हैं तो हमको तीन लॉ ऑफ डोमिनेंस दिए गए एक बना था ओके अब हम अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में देखें तो हमको तीन लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया गया है पहला है आपका मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस इसमें क्या सॉरी मेंडल के लॉ के बारे में देखें तो तीन लॉस दिए गए हैं जिसमें का पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बताया गया है जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है जो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होता वो रिसेसिव कैरेक्टर होता है आपको यहाँ पर कहीं पर भी येलो कलर के पॉड नहीं दिखाई दे रहे तो इसको बोलेंगे येलो कलर को क्या बोलेंगे रिसेसिव कैरेक्टर तो रिसेसिव कैरेक्टर कभी एक्सप्रेस नहीं होता डोमिनेंट कैरेक्टर मतलब रिसेसिव कैरेक्टर सिर्फ होमोसाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होता है वो डोमिनेंट के प्रेजेंस में कभी एक्सप्रेस नहीं होता लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है अब इधर पे एक चीज याद रखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को ही लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स बोलते हैं ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है जब आपके दो गैमेट्स आपस में एक साथ एक सेल के अंदर है तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ये दोनों के दोनों सेल्स जो हैं ये एकदम इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से डिवाइड होंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमको सिर्फ मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखने मिलता है किस में देखने मिलता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में यानी कि इसमें आपका ये जो गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है ये गैमेट किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर डिपेंड नहीं है स्मॉल टी कैपिटल टी के ऊपर डिपेंड नहीं है तो इसको बोलेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट में क्या होता है जब आप डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हो तो यहाँ पर भी जो गैमेट्स फॉर्मेशन हो रहे हैं ये भी इंडिपेंडेंटली हो रहे हैं मतलब कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा कैपिटल वाई किसी के साथ भी जा रहा है स्मॉल वाई किसी के साथ भी जा रहा है तो इधर पे कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट पर यह डायहाइब्रिड के लिए होता है आप बोलोगे मैम सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ में क्या डिफरेंस है सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ में ज्यादा डिफरेंस नहीं है सेकेंड लॉ मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए बना है ये आपके मोनोहाइब्रिड के लिए बना है और थर्ड लॉ आपके डाईहाइब्रिड के लिए बना है बट दोनों में फंक्शन सेम हो रहा है दोनों में एक्टिविटी सेम हो रही है ओके ऑल राइट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ एज पर द लॉ ऑफ डोमिनेंस द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर इन एफ वन जनरेशन इज डैश बताओ फटाफट बताओ क्या आएगा आंसर क्या आएगा डोमिनेंट नेक्स्ट क्वेश्चन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो नोन एज वॉट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो नोन एज लक्ष्मी गुप्ता मैं कब से वही बता रही हूँ आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक से मैं सिर्फ वही बता रही हूँ इट इज ऑल्सो नोन एज प्योरिटी ऑफ गैमेट्स अभी जस्ट मैंने बताया था टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस हमने देख लिया टेस्ट क्रॉस हम क्यों फाइंड आउट करते हैं अननोन फ्लावर का जीनोटाइप फाइंड आउट करने के लिए ठीक है ओके okay, अब आगे देखो द क्रॉस ऑफ एफ वन हाइब्रिड विथ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट इज नोन एज वॉट ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ऐसा एमसीक्यू आपको आ सकता है यस क्रॉस ऑफ एफ हाइब्रिड प्लांट है इसको आप रिसेसिव के साथ क्रॉस कर रहे हो तो इसको क्या बोलेंगे टेस्ट क्रॉस यस ऑप्शन ए ये इधर पे गलती से टिक इधर आया ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट डेविएशन फ्रॉम एंडल फाइंडिंग अब इधर पे हम क्या देखेंगे न्यू मेंडलिज्म का कॉन्सेप्ट देखेंगे न्यू मेंडलिज्म मतलब क्या होता है मेंडल ने जो हमको एक्सपेरिमेंट दिए उसके अलावा हमको कुछ कंक्लूजन्स देखने को मिले जैसे मेंडल ने क्या बोला कि एक जीन के लिए सिर्फ दो अलील्स होता है लेकिन हमें बाद में पता चला कि एक जीन के पास दो से ज़्यादा अलील्स भी होते हैं मेंडल ने हमको क्या बोला था कि फैक्टर्स जो है वो कैरेक्टर्स कैरी करते हैं बट इधर पे हमको क्या देखने को मिल रहा है वेरिएशन यानी न्यू कैरेक्टर फॉर्म होते हुए भी दिखाई दे रहा है तो देखो न्योमेंडलिज्म में हमको दो टाइप का इंटरेक्शन देखने मिलता है एक इंट्राजेनिक एक इंटरजेनिक इसमें से एमसीक्यू में क्या पूछा जाता है पता है एग्जाम्पल मतलब ये जो एग्जाम्पल आपको दिए गए ये एग्जाम्पल देंगे ऐसे चार एग्जाम्पल देंगे वन टू थ्री एंड फोर और इसमें से बोलेंगे सिलेक्ट वन आउट या विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरजेनिक इंटर तो आपको एग्जाम्पल्स याद रखना है कि आपका प्लीओट्रॉपी इंटरजेनिक है बाकी सारे के सारे आपके इंट्राजेनिक इंटरैक्शन है ठीक है इंट्राजेनिक मतलब सेम जीन इंटरजेनिक यानी दो अलग अलग जीन के बीच का इंटरेक्शन सबसे पहला आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है आप जो दो फ्लावर्स लेते हो उनमें से कोई भी प्रॉपरली इंडिपेंडेंटली डोमिनेशन दिखाता ही नहीं है आपको यहाँ पे कुछ खिचड़ी देखने को मिलेगी जैसे कि आपने रेड और व्हाइट फ्लावर मिक्स किया तो यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग देखने को मिला और आपको पिंक कलर के फ्लावर्स मिले मेंडल ने बोला था कि कभी भी आपको बीच का कुछ नहीं मिलेगा ब्लेंडिंग देखने नहीं मिलेगा तो ये मेंडल ने जो बोला था उससे अलग हो गया ना तो इसको बोलेंगे मेंडलिज्म और ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस कौन से प्लांट के ऊपर किया गया था मिराबेलस जालापा जिसको हम फोर ओ क्लॉक प्लांट भी बोलते हैं ये आपका एम क्वेश्चन है तो रेड और व्हाइट मिक्स किया तो पिंक फ्लावर मिला अब ये पिंक और पिंक फ्लावर को जब हमने सेल्फिंग किया तो हमको एक रेड दो पिंक और एक वाइट मिला यानी कि वन इज टू टू इज टू वन के रेशियो में हमको इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप देखने को मिला सेम को के साथ भी हुआ को मतलब क्या होता है दोनों इक्वली डोमिनेट करेंगे मैं भी अपने अपना कलर दूंगा तू भी अपना कलर दे दोनों इक्वली स्ट्रांग है दोनों इक्वली कैरेक्टर एक्सप्रेस करेंगे तो को में हमको दोनों कैरेक्टर्स देखने मिलते हैं तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को दोनों का जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो सेम है दैट इज वन इज टू टू इज टू वन इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए पार्शियल एक्सप्रेशन होता है पूरा कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होता सिर्फ हाफ कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है फोर तो डोमिनंस में पूरा का पूरा कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स होता है ठीक है फिर मल्टीपल एलियंस ये तो कुछ अलग ही है मल्टीपल एलील्स मतलब क्या होता है एक जीन के दो से ज्यादा फॉर्म्स होते हैं जैसे कि आई अपना ब्लड ग्रुप है तो आई ए एक अलील हो गया आई बी ये दूसरा अलील हो गया ठीक है एंड आई जीरो या इसको आप आई स्मॉल आई भी बोलते हो ये हो गया अपना तीसरा अलील ये तीनों के तीनों अलील्स मिलके क्या कर रहे हैं ब्लड ग्रुप कंट्रोल कर रहे हैं यानी कि जीन एक ही है जीन एक ही है लेकिन उसके अलील्स तीन हैं तो इसको बोलेंगे मल्टीपल एक और एग्जांपल है आपका विंग्स वाला, के विंग्स वाला ये आपको लर्न करना है क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कौन से टाइप के विंग के लिए कौन सा जीनो होता है जैसे कि अभी एक क्वेश्चन हमने पिछले मॉक टेस्ट में सॉल्व किया था कौन सा क्वेश्चन था बताओ वेस्टिजियल विंग्स वाला कि वेस्टिजियल विंग्स में वेस्टिजियल विंग्स में हाँ, जीनोटाइप कैसा है सो इट इज वी जी यस ओके प्लियोट्रॉपी मतलब क्या होता है प्लियोट्रॉपी में एक जीन है दो अलील है बट इट विल कंट्रोल टू कैरेक्टर्स इट विल कंट्रोल या मोर देन वन फिनोटाइप कैरेक्टर दिस इज योर प्लियोट्रॉपी यानी जीन एक ही है अलील दो ही है ये मैंडल का प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है इधर तक लेकिन आगे जाके क्या देखने को मिलता है कि ये एक से ज्यादा एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स जब एक्सप्रेस होते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपी उसको हम क्या बोलते हैं प्लियोट्रॉपी और इसका एग्जाम्पल है आपका सिकल सेल अनमिया सिकल सेल अनमिया के लिए हमारे पास दो अलील्स है देखो हीमोग्लोबिन ये जीन है पर इसके लिए अलील्स दो है एक एच बी ए एक एच बी एस अब अगर आपके पास एच बी ए वाला अलील एक्सप्रेस हुआ तो आप नॉर्मल हो अगर एक एच बी ए है और एक एच बी एस है तो आप हो जाते हो सिकल सेल कैरियर कृष्णा जवाके बेटा मैं कब से बताते रहूँ इंपॉर्टेंट एम सी क्यू क्या आ सकता है और मैंने बोला ना अभी मैंने हंड्रेड एम का मॉक टेस्ट लिया था वो जाके देखो अभी अगले मंडे को वापिस से हम हंड्रेड एम का मॉक टेस्ट लेंगे यस तो ये हो जाएगा आपका कैरियर और दोनों जब अगर सिकल सेल होंगे तो हो जाएगा आपके बच्चे की डेथ तो फिनोटिपिक रेशिया रेशियो ऑब्जर्व्ड इन इनकम्प्लीट डोमिनेंसिस चलो बताओ इतना एमसीक्यू एमसीक्यू क्यू रहे हो अभी एमसीक्यू दे रही हो तो आंसर दो बताओ फटाक से बताओ इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फ्यूनोटिपिक रेशियो क्या आएगा तुम लोग खाली ना चिल्लाते हो कुछ आंसर वानसर देते नहीं हो वो होता है ना गरजने वाले बादल बरसते नहीं है वैसे हो तुम लोग क्या आएगा इधर पे आंसर फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या है सिंगल जीन कंट्रोल्स मोर देन वन कैरेक्टर उसको क्या बोलते हैं जब आपका एक सिंगल जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है तो उसको क्या बोलते हैं कोई तो मुझे रोज़ पैदा कर देता है रोज़ मेरा हैप्पी बर्थडे मनाते रहता है इतनी क्या खुशी है तुमको मेरा पैदा होने की कि, कि रोज़ मेरा बर्थडे मना रहे हो विजय दमाहे बेटा मॉक टेस्ट का टाइमिंग टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा इसको बोलेंगे प्लियोट्रॉफी क्या आएगा इधर प्लियोट्रॉफी एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है ओके okay, क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस में मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ देखो मेंडल ने जब अपना पेपर पब्लिश किया था लेकिन उनका पेपर किसी ने रिकोगनाइज नहीं किया एटीन में इन्होंने पेपर पब्लिश किया तभी इनके पेपर को किसी ने रिकोगनाइज नहीं किया ठीक है लेकिन 1900 में तीन अलग अलग देश से तीन अलग अलग साइंटिस्ट आए जैसे कि यूगोडिवरीस कॉरेंस एंड वॉन शेमाक ये तीन अलग अलग साइंटिस्ट से देश से तीन अलग अलग साइंटिस्ट आए और इन ये तीनों ना सेम एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही पढ़ाई कर रहे थे ठीक है सेम एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही पढ़ाई कर रहे थे साइंटिस्ट से मुझे याद आया आपके इलेवेंथ प्लस ट्वेल्थ के जितने भी बायो के चैप्टर सी में आने वाले हैं उसमें पूरे सिलेबस में जितने भी साइंटिस्ट का नाम लिया गया है उनके ईयर के साथ और उनके काम के साथ साइंटिस्ट के नेम और ईयर्स और उनके फंक्शन ये वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड की है तो आप लोग अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हो तो देखना चालू करो तो आपको वो वीडियो लर्न हो जाएगी एंड आई कैन बेट मैं आपसे शर्त लगा सकती हूँ कि अगर आप ये वीडियो करके जाते हो तो आपके दस मार्क्स एम में कन्फर्म हो जाएंगे ठीक है दस मार्क्स क्या हो जाएंगे एम में कन्फर्म हो जाएंगे ओके ऑल राइट सो यूगोडिवरीज कॉरन्स एंड वॉन शेमाक इन्होंने मेंडल की जो थ्योरी थी इनहेरिटेंस वाली क्रोमोजोमल थ्योरी उसको इन्होंने रीडिस्कवर किया ठीक है देखो इधर पे क्या बोला गया है सटन सटन एंड थियोडर थियोडर बोवेरी बोवेरी ने किया. ने Vries, शे, किया और वॉर मार्क की की वॉन थ्योरी को कन्फर्म किया विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप और इन्होंने क्या दिया हमको इन्होंने हमको दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि आपके जो क्रोमोसोम्स है ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं ये हमको वॉल्टर सटन एंड थियोडर बोवेरी ने बताया ठीक है ओके okay, देखो ये सब ये सब बॉक्सेस ना मैंने अपने डिटेल वाले लेक्चर में दिए हैं इसीलिए मैं अभी बता के टाइम वेस्ट नहीं करूंगी आपको देखना है तो आप डिटेल वाला लेक्चर जाके देख सकते हो ठीक है ओके okay, क्रोमोजोम्स क्रोमोजोम्स क्या होते हैं क्रोमोजोम्स कैसे बनते हैं देखो क्रोमोजोम्स आर नथिंग बट दे आर मेड अप ऑफ डी एंड दे कंटेन अवर जेनेटिक इफॉर्मेशन क्रोमोजोम्स को हम अपने बॉडी का मेमोरी कार्ड बोलते हैं क्योंकि इसमें हमारे पूरे के पूरे बॉडी की जेनेटिक इफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है क्रमोजोम के नंबर्स को जब हम पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं प्लॉयडी ऑफ क्रोमोजोम क्रोमोजोम्स के नंबरिंग दो टाइप की होती है एक यू प्लॉडी एक एन्योप्लॉयडी यू प्लॉयडी मतलब क्या होती है जब हमको इक्वल सेट देखने को मिलते हैं यानी कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स का हमको डबलिंग ट्रिपलिंग देखने को मिलता है और एनियोप्लाइडी मतलब क्या होता है एन्योप्लॉयडी यानी कि नंबर्स चेंज हो जाते हैं एक दो क्रोमोजोम ऊपर नीचे हो जाते हैं समझो अगर क्रोमोसोम्स कम हो रहा है माइनस हो रहा तो तो है तो उसको बोलेंगे हाइपोप्लोइडी अगर क्रोमोसोम्स ऐड हो रहा है तो उसको बोलेंगे हाइपर बट दोनों ही हमारे लिए अच्छा नहीं है दोनों में ही क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि एक क्रोमोसोम कम हुआ तो मोनोसोमी टर्नर सिंड्रोम इसका एग्जाम्पल है एक क्रोमोसोम दो क्रोमोसोम कम हो गया तो नलीसोमी एक क्रोमोसोम ज्यादा हो गया तो डाउन सिंड्रोम लाइन फिल्टर सिंड्रोम दो क्रोमोसोम ज्यादा हो गया तो ट्रेट्रासोमी कोई भी चीज ज़्यादा या कम अच्छी नहीं होती है हमेशा हमको सब कुछ लिमिट में रहना चाहिए इसमें से आपको एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि क्रोमोसोम के प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के साइड पे आपको क्या देखने मिलता है जहाँ पे आपका क्रोमोसोम का ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है उधर पे आपको क्या देखने को मिल रहा है सेंट्रोमियर ये आपका एक एमसीक्यू है और दूसरा एमसीक्यू ये देखने को मिलेगा कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के पास कुछ प्लेट्स होते हैं प्रोटीन प्लेट्स होते हैं डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है तो वो प्लेट्स को हम क्या बोलते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन सेल डिवीजन के टाइम पे ये काइनेटोकोर प्रोटीन क्या करते हैं स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच करने में हेल्प करते हैं तो ये दो एमसीक्यू क्वेश्चन आपको आ सकता है क्रोमोसोम्स के शेप के ऊपर बताया गया है कि अगर आप उनके सेंट्रोमियर का पोजीशन देखो तो आपको तीन ताँग, चार टाइप के क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं कौन से चार टाइप यस चैप्टर 1 का वन शॉट हो गया बाबा हां शायद हो गया चैप्टर 1 का वन शॉट यस मुझे याद नहीं बट हो गया ठीक है सो सेंटर में अगर क्रोमोसोम रहेगा तो मेटासेंट्रिक अगर ये क्रोमोसोम आपके सेंटर से थोड़ा दूर है तो सब मेटासेंट्रिक अगर एकदम कॉर्नर uh, में है तो एक्रोसेंट्रिक और टिप पे है तो टीलोसेंट्रिक तो ऐसे चार टाइप के क्रोमोजोम्स हमको देखने मिलते हैं देखो ह्यूमंस के अंदर ना दो टाइप के क्रोमोजोम होते हैं एक होता है ऑटोजोम और एक होता है सेक्स क्रोमोजोम या जिसको हम बोलते हैं एलोजोम ऑटोजोम जो बॉडी कैरेक्टर्स कंट्रोल करता है और एलोजोम जो हमारे सेक्स Uh, जो ऑर्गन और सेक्सुअल कैरेक्टर्स कंट्रोल करते हैं जिनको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स और ह्यूमंस में हमको दो टाइप के सेक्स क्रोमोसोम देखने मिलते हैं एक्स एंड वाई एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स के डिफरेंसेस बहुत सारे एक्स क्रोमोसोम बड़ा होता है वाई क्रोमोसोम छोटा होता है एक्स क्रोमोसोम के पास जीन्स ज्यादा होते हैं वाई क्रोमोसोम्स के पास जींस कम होते हैं एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम्स एक दूसरे से ज़्यादा कंपैटिबल नहीं होता है एक्स क्रोमोसोम का जो नॉन होमोलोगस रीजन है यहाँ पे आपको लिंकेज देखने मिलता है लिंकेज मतलब क्या होता है जो जीन्स इधर पे है उनका ऑल्टरनेटिव फॉर्म इधर पे नहीं रहेगा तो ये जीन्स भी ऑफ स्प्रिंग में जाएंगे और ये वाले जीन्स भी ऑफ स्प्रिंग में जाएंगे यानी ये अपने नॉन होमोलोगस रीजन से एकदम टाइटली अटैच्ड होते हैं तो उधर पे हमको लिंकेज प्रोसेस देखने को मिलता है और जिधर लिंकेज होता है उधर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है ठीक है और होमोलोगस रीजन में आपको क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है लिंकेज नहीं देखने को मिलता है ठीक है ओके तो अभी आगे देखो क्या बताया गया है एक्स और वाई के बारे में हमने स्ट्रक्चर देखा इधर देखो ये आपका जो शॉर्ट आर्म है इसको हम बोलते हैं पी आर्म ये जो अपना वाई क्रोमोजोम है ना इसका जो छोटा वाला हाथ है ये वाला जो छोटा वाला पार्ट है इसको बोलेंगे पी आर्म और बड़े वाले आर्म को बोलेंगे क्यू आर्म ओके ऑल राइट तो इसके अलावा और एक चीज क्या बताई गई है कि हमारा जो एक्स क्रोमोजोम होता है जो फीमेल का एक्स क्रोमोजोम होता है उसके पास यू क्रोमैटिन ज्यादा होता है ये देखो ये यू क्रोमैटिन है ये हाइड्रोक्रोमैटिन है यू क्रोमैटिन यानी कि लूज डी एन ए जो हमको माइक्रोस्कोप के नीचे लाइट कलर का दिखाई देगा और ये ज़्यादा एक्टिव होता है और हेट्रोक्रोमैटिन यानी कि डेंस टाइट डीएनए एन जो हमको माइक्रोस्कोप के नीचे डार्क कलर का दिखाई देगा बट ये ट्रांसक्रिप्शनली कैसा होता है इनएक्टिव होता है तो ये कुछ कैरेक्टर्स आपको याद रखने हैं ठीक है थीके? ओके बताओ मुझे द प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन इज ऑल्सो नोन एज डैश वेयर स्पिंडल फाइबर गेट्स अटैच्ड तो आपके क्रोमोसोम का ये जो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है जहाँ पे आपका स्पिंडल फाइबर अटैच होता है ये हुक लाइक स्ट्रक्चर इसको क्या बोलते हैं बता फटाफट बताओ क्या आएगा इसका आंसर ए ए नहीं आएगा लोग बी आएगा बी कानेटो कोर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के पास आपका प्रोटीन होता है जो स्पिंडल फाइबर से अटैच होने में हेल्प करता है एक्स क्रोमोजोम लार्ज अमाउंट ऑफ यूक्रोमैटिन इसीलिए इसको क्या बोलेंगे यस एक्स क्रोमोजोम के पास यूक्रोमैटिन ज्यादा होता है तो इसको क्या बोलेंगे एक्टिव डीएनए सो इट इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नेक्स्ट लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के बारे में आपको ये साइंटिस्ट का नाम याद रखना है प्लांट्स में लिंकेज का कॉन्सेप्ट दिया बेटसन एंड पुनिट ने और एनिमल्स में लिंकेज का कॉन्सेप्ट दिया थॉमस हंट मॉर्गन यानी टीएच मॉर्गन ने लिंकेज मतलब क्या होता है आपके क्रोमोसोम के ऊपर जब कोई जीन एकदम टाइटली अटैच होती है और ये जीन आगे नहीं जाती है सॉरी ये जीन क्रॉसिंग ओवर नहीं करती है रिकॉम्बिनेशन नहीं करती है ठीक है तो और ये एज इट इज आगे नेक्स्ट जनरेशन में चली जाती है तो इसको बोलते हैं लिंक्ड जीन्स और इस प्रोसेस को बोलते हैं लिंकेज लिंकेज दो टाइप का होता है कंप्लीट लिंकेज इनकम्प्लीट लिंकेज इसका एग्जांपल्स आपको याद रखना है 100 परसेंट एम में आ सकता है कंप्लीट लिंकेज हमको किस में देखने को मिलता है ड्रॉस के मेल्स में और इनकम्प्लीट लिंकेज जी मेज में कंप्लीट लिंकेज मतलब क्या होता है इनके ऊपर इनके पास क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है ये नॉन होमोलोगस रीजन में होता है और जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स के पास है वो कैरेक्टर्स एज इट इज़ ऑफस्प्रिंग में चले जाएंगे इसको बोलेंगे कंप्लीट लिंकेज इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होता है इधर पे क्रॉसिंग ओवर होगा न्यू रिकॉम्बिनेशन फॉर्म होगा तो हमको न्यू ट्रेड्स देखने को मिलेंगे इसको बोलेंगे इनकम्प्लीट लिंकेज और ये जी मेज में देखने को मिलता है इसके एक्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है लिंकेज ग्रुप लिंकेज ग्रुप मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास जितने भी क्रोमोजोम्स हैं उसका हेप्लॉइड सेट टू एन का हाफ इसको बोलेंगे लिंकेज ग्रुप लिंकेज ग्रुप जैसे ह्यूमंस के पास फीमेल में फीमेल में ट्वेंटी थ्री लिंकेज ग्रुप होते हैं बट मेल्स के पास ट्वेंटी फोर लिंकेज ग्रुप होते हैं क्योंकि मेल्स के पास एक एक्स होता है एक वाई होता है तो और बाकी के ट्वेंटी टू ऑटोजोम्स होते हैं सो ट्वेंटी टू प्लस वन प्लस वन ट्वेंटी फोर मेल्स के पास कितने लिंकेज ग्रुप्स हो जाते हैं ट्वेंटी फोर बट यूमें फीमेल्स के पास कितने रहते हैं ट्वेंटी थ्री येस सेक्स लिंकेज के बारे में देखो क्या बताया गया सेक्स लिंकेज मतलब एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन्स रहेंगे एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जीन है तो एक्स लिंक डिसऑर्डर वाई के ऊपर है तो वाई लिंक डिसऑर्डर इधर पे एग्जाम्पल आपको दिया गया है हिमोफीलिया रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस माओपिया ये सब एक्सलिंग डिसऑर्डर है और हाइपरट्रिकोसिस इश्ओसिस यानी कान वगैरह के ऊपर ऐसे बहुत ज़्यादा हेयर हेयर ग्रोथ हो जाना तो उसको बोलेंगे वाइलिंग डिसऑर्डर वाइलिंग जीन्स को हम होलैंड्रिक जीन्स भी बोलते हैं इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज के कुछ एग्जाम्पल्स हमको दिए गए हैं ठीक है तो देखो इधर क्रॉसिंग ओवर क्या होता है क्रॉसिंग ओवर यानी कि रिकॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन फॉर्म करना ये देखो recombination होने के बाद हमको ऑफस्प्रिंग्स में न्यू कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं तो इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर जो ग्यारहवीं के सेल डिवीजन चैप्टर में आपने पढ़ा है नो द साइंटिस्ट थॉमस हंट मॉर्गन के बारे में क्या बताया गया है कि इन्होंने ड्रोसोफिला मिलानोगेस्टर यूज किया था क्योंकि ड्रोसोफिला ऑर्गेनिज्म और ह्यूमंस के क्रोमोसोम्स काफी ज्यादा मैच करते हैं इन कैरेक्टरिस्टिक्स तो ही यूज्ड ड्रोसोफिला फॉर हिज एक्सपेरिमेंट ओके ऑल राइट तो देखो आगे क्या बताया गया मॉर्गन वर्क प्लेड की रोल इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स ही प्राइज इन ये याद रखो मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि थॉमस हंट मॉर्गन ने कौन सा पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म यूज किया था ड्रोसोफिला ड्रोसोफिलास्टर इन जेनेटिक रिसर्च और इन्होंने हमको लिंकेज की थ्योरी दी थी अब ये जो लिंकेज की थ्योरी है ना इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है आपको सिर्फ क्या चीज देखना है डिस्टेंस आपको दो जीन के बीच का डिस्टेंस देखना है यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो अगर इन जीन्स के बीच में कम डिस्टेंस है मतलब ये लिंकेज करेंगे और ये पेरेंटल टाइप कॉम्बिनेशन ज्यादा दिखाएंगे प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज 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 पे अटेंशन आपको ये कॉम्बिनेशन याद रखना है मेंडल ने जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया उसमें लिंकेज हुआ था उसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं थी तो पेरेंटल टाइप कॉम्बिनेशन ज्यादा दिया था और रिकॉम्बिनेंट टाइप कम देखने को मिला और जो सेकंड क्रॉस हमने देखा सेकंड एक्सपेरिमेंट उसमें पेरेंटल टाइप कॉम्बिनेशन ज़्यादा था क्योंकि देखो इधर डिस्टेंस ज़्यादा है अगर डिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो आपको क्या देखने को मिलता है अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी क्रॉसिंग ओवर होगी तो आपको कैरेक्टर्स एक्सचेंज देखने को मिलेंगे तो आपको सिर्फ ये परसेंटेज याद रखने हैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और सेकंड एक्सपेरिमेंट के परसेंटेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टेंस कम नो क्रॉसिंग ओवर डिस्टेंस ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर ठीक है ओके okay. लिंकेज वॉज डिस्कवर्ड इन प्लांट्स बाय प्लांट्स में किसने लिंकेज डिस्कवर किया था जल्दी बताओ यस फटाफट प्लांट्स में लिंकेज डिस्कवर किया था पुनेट एंड बेट्सन ने नेक्स्ट ऑटोसोमल इनहेरिटेंस ऑटोसोमल इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है अब इधर पे आपके सेक्स क्रोमोसोम का कुछ लेना देना नहीं है बच्चा इधर पे आपके सेक्स क्रोमोसोम का कुछ भी लेना देना नहीं है यहाँ पे सिर्फ हम ऑटोसोम्स के बारे में बात करते हैं तो ऑटोसोम्स यानी आपने जो ट्वेंटी टू से होते हैं ट्वेंटी टू पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं तो इधर पे हमको क्या बोला गया है कि हमारा ये जो ऑटोसोमल डोमिनेंट रेट है ऑटोसोमल डोमिनेंट रेट है लाइक विडोसपीक हंटिंगटन डिजीज तो इसमें हमको क्या देखने को मिलता है कि हमारा आ, ये जो अगर समझो एक अलील भी प्रेजेंट है तो ये कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा ठीक है और ये फीमेल और मेल दोनों में हो सकता है ओके और ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट में क्या देखने को मिलता है हमको फिनाइल कीटोन यूरिया सिस्टिक फाइब्रोसिस सिकल सेल सेलोनीमिया तो इनमें हमको क्या देखने को मिलता है कि अगर रिसेसिव सिवलील प्रेजेंट रहेंगे तो ये कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होगा नहीं तो नहीं होगा जैसे विडो स्पीक मेल फीमेल दोनों में देखने को मिलता है लेकिन एक डब्ल्यू कैपिटल होना चाहिए अगर आपके पास डब्ल्यू कैपिटल नहीं है मतलब आपके पास विडो स्पीक का एक भी जीन नहीं है तो आपका हेयरलाइन स्ट्रेट दिखाई देगा

हाँ वो बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होती है सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन ठीक है आगे देखो क्या बताया गया है, सेक्सलिंक इनहेरिटेंस के बारे में अब इसमें सेक्स प्रोमोजोम्स आ जाते हैं मैं आपको बार बार बोल रही हूँ ऑटोसोमल डोमिनेंट ऑटोसोमल रिसेसिव ऑटोजोमल डोमिनट ऑटोसोमल रिसेसिव के एग्जाम्पल्स याद रखो एमसीक्यू में आते हैं ये और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है ऑटोसोमल डोमिनेंट ऑटोसोमल रिसेसिव ऑटोसोमल डोमिनेंट ऑटोसोमल रिसेसिव सिस्टिक फाइब्रोसिस लंग डिसऑर्डर है सिकल सेल एनीमिया हमने अभी देखा एच बी ए और एच बी एस वाला हमने देखा फिनाइल कीटोन यूरिया ये एक एंजाइम डिसऑर्डर है ठीक है तो ये रिसेसिव डिसऑर्डर है हंटिंगटन डिजीज डिसीज विडो स्पीक हंटिंग टन में आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है विडोसपीक में

अगर समझो कि एक फीमेल के पास रिसेसिव डिसऑर्डर रिसेसिव डिसऑर्डर की मैं बात कर रही हूँ अगर फीमेल के पास दो एक्स है एक अलील डोमिनेंट है और एक अलील रिसेसिव है तो ये फीमेल बच जाएगी इसको हम कैरियर बोलेंगे लेकिन मेल के पास तो एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और वाई क्रोमोसोम अलग होता है ये एक्स क्रोमोसोम है ये वाई क्रोमोसोम है तो मेल को बचाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है फीमेल के पास एक रिसेसिव अलील है और एक डोमिनेंट वलील है तो ये बच जाएगा लेकिन मेल के पास अगर एक भी रिसेसिव सी वलील आया तो मेल क्या हो जाता है अफेक्ट हो जाता है तो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स ज़्यादातर फीमेल्स में नहीं मेल्स में एक्सप्रेस होते हैं और वाइल्ड लिंक्ड डिसऑर्डर्स सिर्फ मेल्स में एक्सप्रेस होते हैं क्योंकि वाई क्रोमोजोम सिर्फ मेल्स के पास होता है मतलब इधर से भी इधर से भी हर जगह से मेल्स की वाट लगती है ओके ऑल राइट right. हाँ. कलर ब्लाइंडनेस के बारे में एक एग्जाम्पल दिया है एक्स एक्सलिंग डिसऑर्डर का कलर ब्लाइंडनेस एक एग्जाम्पल दिया है तो ये देखो अगर नॉर्मल मेल है तो उसके पास डोमिनेंट अलील है फीमेल नॉर्मल है तो दोनों डोमिनेंट है मेल अगर कलर ब्लाइंड है तो एक ही रिसेसिव है फीमेल कलर ब्लाइंड है तो दोनों रिसेसिव होना चाहिए लेकिन फीमेल ज्यादातर कैसी होती है कैरियर होती है एक एक डोमिनेंट अलील होता है एक रिसेसिव अलील होता है समझो आपने एक कलर ब्लाइंड मेल की एक नॉर्मल फीमेल से शादी करा दी तो आपको फिफ्टी परसेंट कैरियर डॉटर मिलेंगे और फिफ्टी परसेंट नॉर्मल सन मिलेंगे अब आप अपनी इस कैरियर डॉटर की शादी एक नॉर्मल मेल से करा दो तो आपको क्या देखने को मिलेंगे इधर पे पच्चीस परसेंट नॉर्मल फीमेल पच्चीस परसेंट नॉर्मल मेल पच्चीस परसेंट कैरियर फीमेल और पच्चीस परसेंट कलर ब्लाइंड मेल तो आपको इधर जो चार बच्चे मिलने की प्रोबेबिलिटी है ये अलग अलग रेशियो में मिल सकते हैं ठीक है सेम आपके हीमोफीलिया के साथ भी होता है अब इधर पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि हिमोफीलिया कौन से क्लॉटिंग फैक्टर के डिसऑर्डर के वजह से होता है हीमोफीलिया को हम ब्लीडर्स डिजीज़ बोलते हैं बेसिकली इसमें हमको क्या देखने को मिलता है कि हमारे ब्लड के जो इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर एट और नाइन ये क्लॉटिंग फैक्टर बनता नहीं है और ये क्लॉटिंग फैक्टर अगर नहीं बना तो ब्लड जो है वो कंटिन्यूसली क्या होता जाएगा कंटिन्यूसली हमारा ब्लड ब्लीड uh, होते जाएगा तो ये क्लॉटिंग फैक्टर होना बहुत जरूरी है और अगर ये नहीं हुआ तो उसको ब्लीडर्स डिजीज बोलते हैं प्लीज ये नाम याद रखो एम के लिए इंपॉर्टेंट है सेम कलर ब्लाइंडनेस के जैसा इसका क्रॉसिंग है सेम ठीक है तो वाई लिंक्ड जीन्स को हम क्या बोलते हैं वाई लिंक्ड जीन्स आर ऑल्सो नोन एज वॉट येस एवरीबडी लिंक्ड जीन्स को हम बोलते हैं होलैंड्रिक जीन्स विडोज पीक कौन सा डिसऑर्डर है जल्दी बताओ यस विडोज पीक कौन सा डिसऑर्डर है जल्दी बताओ डी है तो डी फॉर डोमिनेंट हिमोफीलिया कौन सा डिसऑर्डर है डोमिनेंट या रिसेसिव या ऑटोजोमल कैसा है disorder, क्योंकि मेल्स में ज्यादा होता है ठीक है सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में अगर हम बोले तो कोई ऑर्गेनिज्म अगर मतलब मेल है तो उसको यूनिसेक्स बोलेंगे फीमेल है तो यूनिसेक्स बोलेंगे बट अगर वो बाइसेक्सुअल है तो बायसेक्सुअल के लिए तीन वर्ड्स होते हैं बायसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट एंड मोनो एशियस ठीक है जर्मन के जो साइंटिस्ट थे हैंकिंग इन्होंने हमको ये एक्स क्रोमोजोम डिस्कवर करके दिया था ये एक इंसेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे जिसका नाम है अनासा ट्रिस्टिस एमसीक्यू के लिए इधर से तीन चीजें पूछ, पूछी जा सकती है एक्स क्रोमोजोम किसने डिस्कवर किया कौन से ऑर्गेनिज्म पे स्टडी कर रहे थे साइंटिस्ट का नाम क्या था तो देखो इधर पे आपको इधर पे सेक्स क्रोमोजोम्स के बारे में बताया गया ह्यूम्स के बारे में बात करें तो मेल का सेक्स क्रोमोजोम कौन सा होता है एक्स और फीमेल का एक्स एक्स बट वही अगर देखो इधर बच्चे की अगर हम बात करें कि जो बच्चा होने वाला है वो मेल होगा कि फीमेल होगा ये कैसे पता चलता है ये डिपेंड करता है मेल के स्पर्म के ऊपर अगर मेल का स्पर्म के पास एक्स क्रोमोजोम है तो वो फीमेल के एक्स के साथ बाइंड करके क्या बनाएगा फीमेल बनाएगा और अगर मेल के स्पर्म के पास वाई क्रोमोजोम है तो वो फीमेल के एक्स के साथ बाइंड करके क्या बनाएगा मेल चाइल्ड बनाएगा तो ये स्पर्म के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि फीमेल सिर्फ एक क्रोमोजोम बना रही है बट मेल दो क्रोमोजोम बना रहे हैं और ये एक्चुअली मेल के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है ये उसके जेनेटिक्स और उसके स्पर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है सेल डिविजन के ऊपर डिपेंड करता है बर्ड्स में भी सेम सेक्स डिटर्मिनेशन होता है बस उधर पे अल्फाबेट चेंज कर दिया है बर्ड्स में मेल के लिए जेड जेड है और फीमेल के लिए जेड डब्ल्यू है इसको बोलेंगे होमोगेमेटिक इसको बोलेंगे हेट्रोगेटिक तो बर्ड्स के केस में फीमेल के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा मेल होगा कि फीमेल होगा ठीक है और हनी बी में ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आता है हनी बी में हमको क्या देखने को मिलता है हनी बी में हैप्लोडिप्लॉइड टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है यानी कि इधर पे अगर आपकी फ़ीमेल है ये फीमेल मियोसिस करके दो टाइप के गैमेट्स बनाएगी ठीक है दो हैप्लोइड गैमेट्स बनाएगी अगर इसमें से कुछ हैप्लोइड गैमेट्स डायरेक्ट पार्थेनोजेनेसिस करके डेवलप हो गए तो इनको हम बोलते हैं हेप्लॉयड मेल या इनको बोलते हैं ड्रोन्स लेकिन जो दूसरे गैमेट्स हैं अगर ये गैमेट्स आपके फीमेल के गैमेट्स मेल के साथ फ्यूज करके अगर जयगोड बनाएंगे तो इसको बोलेंगे फीमेल अब फीमेल भी दो टाइप की होती है एक वर्कर भी एक क्वीन भी तो कैसा पता चलेगा कौन सी वर्कर भी है कौन सी क्वीन भी है वर्कर भी नॉर्मल जेली खाती है क्वीन भी सिर्फ रॉयल जेली खाती है ठीक तो है सो हेप्लो डिप्लॉयड टाइप सेक्स डिटोमिनेशन किस में होता है हनी बीज में और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये भी आपको एमसीक्यू के लिए आ सकता है आपको कोई भी बॉक्स से पूछा जा सकता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स के वजह से भी आपका सेक्स डिटर्मिनेशन चेंज हो जाता है जैसे कि कुछ इंसेक्ट होते हैं जो आ, सी बेड पे जाएंगे तो उनका सेक्स अलग हो जाता है और सी फ्लोर पे रहेंगे तो उनका सेक्स अलग हो जाता है यानी कि कभी ये मेल रहते हैं तो कभी अचानक से ये फीमेल हो जाते हैं जिसका एक एग्जाम्पल है बोनेलिया वर्डिस और ये डिपेंड करता है हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर के ऊपर लास्ट टॉपिक ऑफ द डे कम्स अबाउट जेनेटिक डिसऑर्डर दो टाइप के डिसऑर्डर्स है एक मेंडेलियन डिसऑर्डर एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के तीन एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम लाइन फिंटल सिंड्रोम पहले हम मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ेंगे जिसका एक एग्जांपल है थैलासीमिया थैलासीमिया में क्या होता है देखो इधर से आपको एक एमसीक्यू क्वेश्चन आता है थैलासीमिया में क्या होता है हमारे ब्लड के अंदर जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन चार प्रोटीन मॉलिक्यूल से बनता है दो अल्फा चेन दो बीटा चेन अल्फा चेन बनाने के लिए एच क्रोमोजोम सिक्सटीन चाहिए बीटा चेन्स बनाने के लिए क्रोमोजोम इलेवन चाहिए दोनों में से अगर कोई एक भी क्रोमोजोम डिफेक्टिव हो गया तो या तो अल्फा थैलासीमिया बनेगा या तो बीटा थैलासीमिया बनेगा जिसके वजह से वो प्रोटीन चेन्स नहीं बनेंगे जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिफिशियंसी होगी और चाइल्ड की डेथ हो सकती है ठीक है तो दिस इज थैलासीमिया डाउन सिंड्रोम डिसऑर्डर है डाउन सिंड्रोम में क्या हो जाता है अपना जो ट्वेंटी फर्स्ट क्रोमोजोम रहता है ना इधर पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम देखने को मिलता है और ये होता है एबनॉर्मल सेल डिवीजन के वजह से इसको किसने डिस्कवर किया था जॉन लैंगडन डाउन ने इन 1866। और ये ज्यादातर किन में देखने को मिलता है जो फीमेल्स पचा... पैंतालीस पचास उम्र के उम्र के होने के बाद प्रेग्नेंट होती हैं तो उनमें प्रॉपर मियोसिस नहीं होता है सेल जाइगोड फॉर्मेशन के टाइम पे और जिसके वजह से बच्चे का डाउन सिंड्रोम हो सकता है तो इसकी मेंटल डेवलपमेंट पूरी नहीं हो पाती है ओके फिर नेक्स्ट आता है टर्नर सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है सेक्स क्रोमोजोम इनकम्प्लीट डिवीजन दिखाते हैं यानी इनके पास सिर्फ फोर्टी फाइव क्रोमोजोम्स है इनके पास एक एक्स क्रोमोजोम ही रहता है दूसरा सेक्स क्रोमोजोम नहीं रहता है इनके पास तो दिखने में ये फीमेल की जैसी होती हैं लेकिन इनके पास एक्स क्रोमोजोम्स इनकम्प्लीट है इस वजह से इनका डेवलपमेंट इनकम्प्लीट रह जाता है हाइट बॉडी ओवरी सब अनडेवलप रह जाता है और जिसकी वजह से ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते लाइन फिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है उल्टा हो जाता है इनके पास एक देखो टर्नर सिंड्रोम में एक सेक्स क्रोमोजोम कम था लाइन फिल्टर सिंड्रोम में वही एक एक्स क्रोमोजोम ज्यादा आ गया तो इधर पे आपको एक एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोजोम देखने को मिलता है ये है हमारा ट्रांसजेंडर यानी यूनक्स वाला कंडीशन ओके okay? जो किन्नर होते हैं उनके केस में यही होता है कि उनके पास एक सेक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है जिसके वजह से उनकी बॉडी मेल जैसी दिखती है बट इंटरनली हॉर्मोन्स फीमेल के ज़्यादा बनते हैं जिसकी वजह से वो बिहेव फीमेल के जैसे करते हैं सो दीज आर डिफरेंट कैरेक्टर्स आपको कभी कभी ये कैरेक्टर्स देख कर आपको पूछते हैं कि ये कौन सा डिसऑर्डर है तो आपको कैरेक्टर्स याद होने चाहिए येस yes? चलो चैप्टर इज ओवर फटाफट आंसर दो जीनोटिपिक रेशियो ऑब्जर्व्ड इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस एज जल्दी जल्दी मैम फोर्थ चैप्टर कब लेने वाले हो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे टाइम टेबल दिया है बेटा पूनम परसों है शायद मंडे को कल आपका फिजिक्स का होगा वन शॉट और मंडे को मैं फोर्थ चैप्टर लेने वाली हूँ संडे को कुछ नहीं होगा संडे को नीट एग्जाम है ठीक है ओके सुपर फीमेल के पास तीन एक्सक्रोमोजोम्स होते हैं सो दैट इज सुपर फीमेल जेनेटिक जीनोट वो भी एबनॉर्मल सेल डिवीजन की वजह से होता है डिसजंक्शन ऑफ सेक्स क्रोमोजोम्स जीनेटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज वन इज टू टू इज टू वन अक्रॉस बिटवीन प्लान आर आर विल्स प्लान विद देखो आपने क्रॉस किया है आपको एफ वन है कि एफ टू है नहीं पूछा है तो आप एफ वन इमेजिन करो तो आप इनको इनको क्रॉस करोगे तो आपको क्या मिलेगा कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा ना आपको रेड एंड येलो रेड एंड येलो सीड्स देखने को सॉरी राउंड एंड येलो सीड्स देखने को मिलेंगे सो आंसर क्या आएगा ऑप्शन सी क्योंकि एक डोमिनेंट और दूसरा डोमिनेंट नेक्स्ट क्वेश्चन फिनोटिपिक रेशियो ऑब्जर्व इन डाई हाइब्रिड क्रॉस फिनोटिपिक मतलब बाहर से जो कैरेक्टर दिखता है दैट इज नाइन इज टू थ्री इज टू वन येस एवरीबडी

वट इज द अदर नेम फॉर सेक्स क्रोमोजोम इट इज यस ये म्यूजोजोम्स आपके सेल कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होते हैं लिंकेज किसने डिस्कवर किया था एनिमल्स में प्लांट्स में बेटसन और पुनिट ने किया था एनिमल्स में किसने डिस्कवर किया था टी एच मॉर्गन ने यस सेक्स लिंक जीन्स आर लोकेटेड ऑन डैश रीजन ऑफ क्रोमोजोम सेक्स लिंक जीन्स आर सेक्स लिंक्ड जीन्स बोला है लिंक्ड जीन्स बोला है लिंक्ड जीन्स लिंक्ड जीन्स हमेशा किधर प्रेजेंट रहता है नॉन होमोलोगस रीजन में यस कलर ब्लाइंडनेस कैसा डिसऑर्डर है डोमिनेंट है रिसेसिव है कैसा है कलर में क्या आता है आर आता है आर फॉर रिसेसिव रिसेसिव इज अ डिसऑर्डर टर्नर सिंड्रोम किसके वजह से होता है देखो इतने सारे एमसीक्यूज कर लिए हमने टर्नर सिंड्रोम किसके वजह से होता है एक सेक्स क्रोमोजोम कम रहता है एक्स ओ ओमोनिमी तो ये हो जाता है सेक्स क्रोमोजोमल एनोप्लॉयडी की वजह से क्योंकि लास्ट के पैर में देखने को मिल रहा है ना ऑटोजोम्स में कुछ कम नहीं है सेक्स क्रोमोजोम गड़बड़ है तो उसको बोलेंगे सेक्स क्रोमोजोमल एनियोप्लॉयडी Tightly linked genes that present on non homologous region of X and Y chromosomes are called as what? Tightly linked genes ऑन Tight, tightly. तो उनको क्या बोलेंगे X और Y chromosomes के ऊपर वो रहते हैं तो उनको बोलेंगे कम्प्लीटली सेक्स लिंक जीन्स यस चलो चैप्टर डन जिन्होंने अभी तक वन शॉट नहीं देखा है या जिनको पूरा वन शॉट एक साथ देखना है बायो के पंद्रह चैप्टर्स का वन शॉट इस वीडियो से देख सकते हो फिजिक्स के आठ चैप्टर्स का वन शॉट इस वीडियो से यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे चैप्टर नाइन का मैं एम अपलोड करने वाली हूँ सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मुंबई में जो बच्चे रहते हैं उनके लिए फिर से एक बार मैं याद दिला दूँ हमारा ज्ञान लैब ट्यूटोरियल ऑफलाइन सेंटर मुंबई में जो लोकेटेड है ये दादर सायन माटुंगा वडाला वाले बच्चों के लिए है तो अगर आपने अब तक यहाँ पर विजिट नहीं किया अपने जूनियर्स भाई बहन कजन फ्रेंड्स के एडमिशन के लिए तो आप आकर यहाँ पर विजिट कर सकते हैं इस नंबर पर आप कॉल करोगे तो आपका कॉल रिसीव नहीं होगा आपको इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप करना है अपना एडमिशन बुक करने के लिए और एन चैनल पे भी हम अपना एन सी आर टी कंटेंट अपलोड करते हैं तो आप हमारी एन चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो यहाँ नीट का कंटेंट कवर किया जाता है आपका नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट टाइम टेबल जो भी है वो टेलीग्राम ग्रुप पे दिया जाएगा सी ई टी के नोट्स मॉक uh, टेस्ट कब होगा फिजिक्स का कब होगा ये सब आपको इधर टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा तो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ज्ञान लैब एपी ज्वाइन करो ठीक है यू कैन आल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ अवर एंटरटेनिंग चैनल लाइव बफरिंग एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो सब लोग इसको शेयर करो सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि उनका भी सीई का रिविजन कम्प्लीट हो सके हो सके मैम हम सीई से कहीं एडमिशन लेके नीट के ड्रॉप ले सकते हैं क्या क्या ये सब मैनेज होगा हाँ ले सकते हो क्यों नहीं ले सकते डेफिनेटली ले सकते हो मानसी मस्त चलो नोट्स कब मिलेंगे लक्ष्मी गुप्ता नोट्स ऑलरेडी नोट्स मतलब मैं सीई का कोई पीपीटी नहीं देती हूँ आपको क्वेश्चन और डाइजेस्ट वगैरह का नोट्स ऑलरेडी सब टेक, टेलीग्राम ग्रुप पे दिया हुआ है तो जाकर आप सर्च कर सकते हैं ठीक है सीई के लिए टारगेट काफ़ी है टारगेट कौन सा टारगेट ट्वेल्थ का टारगेट नहीं एम वाला टारगेट बुक काफ़ी है ठीक है चलो मॉक टेस्ट मंडे को होगा ओके चलो ऑल द बेस्ट एवरीबडी बाकी सब टाइम टेबल आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा चलो मिलते हैं जल्दी बाय बाय टेक केयर सी यू सून बाय बाय